क्या रेविट बिम है? क्या मुझे 1 लाख रुपए की सैलरी मिल जाएगी? क्या इंडिया में और भी कंपनीज है जो बिम के लिए हायर कर रही है? सो गाइज, ये वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि बिम एक्चुअली है क्या, कौन से सॉफ्टवेयर्स यूज होते हैं, कौन सी कंपनीज हायर कर रही हैं रिगार्डिंग बिम इंजीनियर्स एंड बिम कोऑर्डिनेटर्स, एंड आपको क्या सैलरी एक्सपेक्टेशंस रखनी चाहिए आफ्टर कंप्लीटिंग योर बिम कोर्स इन इंडिया और अब्रॉड। सो ये सारे क्वेश्चन का मैं जवाब देने वाला हूँ। बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियोज़ आ गए हैं कि 1 लाख रुपए कमाओगे जब बिम कर लोगे एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो गाइज, इट्स नॉट ट्रू, एंड बिम रेविट है दैट इज़ ऑल्सो नॉट ट्रू। सो ये सारे क्वेश्चन और ये सारे जो मिसकंसेप्शंस है, इसका जवाब मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ। और गाइज, फॉर दी पीपल जो लोग नए हैं मेरे चैनल पे, मेरा नाम है सारांश सिंह एंड आई एम एन आर्किटेक्ट बाय प्रोफेशन। आई हैव कंप्लीटेड माय बिम कोर्स फ्रॉम कनाडा, एंड उसके बाद मैंने ग्रीन आर्किटेक्चर कोर्स किया। नाउ आई एम वर्किंग इन कनाडा एज एन बिम कोऑर्डिनेटर। सो ये सारी चीज़ों का जवाब इस वीडियो में मिलेगा। सो ट्राई वॉचिंग दिस वीडियो टिल दी एंड, एंड विदाउट एनी डिलेज लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। सो गाइज, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, वॉट इज़ बिम? सो बिम का मतलब होता है बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग। ये काफ़ी जनरल चीज़ है, आप सबको पता होगी। बिम स्टार्ट होता है विद डेवलपमेंट ऑफ 3D मॉडल, जिसके ऊपर काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन अटैच्ड होती है। जैसे कि एक स्केचअप मॉडल बिम मॉडल नहीं कहलाया जा सकता, बिकॉज उसके साथ काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन अटैच्ड नहीं होती है। वो एक जस्ट मॉडल है, इट्स जस्ट अ पीस ऑफ वर्क। एंड अगर आप उसमें भी डिटेल करेंगे, आप उसमें भी आगे जाएंगे, तो वो बिम के लेवल पे आ सकता है और बिम का मॉडल कहला सकता है, बट इट इज़ नॉट द आइडियल सॉफ्टवेयर। रेविट ऑन द अदर हैंड, इट इज़ नॉट बिम। बिम इज़ बेसिकली अ कोलैबोरेटिव एनवायरनमेंट ऑफ डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स, जो कि आपको प्रोवाइड करेगा इंटरकनेक्टिविटी फ्रॉम वन सॉफ्टवेयर टू द अदर, एंड इसके हेल्प से आप एक ही प्रोजेक्ट पे मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशंस, मल्टीपल लोगों के साथ काम कर सकते हैं। सो ये एक बेसिकली कोलैबोरेटिव एनवायरनमेंट को नाम दिया गया है बिम, इन विच सेंट्रल मॉडल इज़ देयर। तो ये सेंट्रल मॉडल के ऊपर काफ़ी सारा डेटा अटैच्ड होता है, और मैं एक एग्जांपल देता हूँ आप लोगों को। सो आपने एक आर्किटेक्चरल मॉडल बनाया रेविट पे, तो आप ये मॉडल आप उसको सेंट्रलाइज करेंगे, जो कि एक क्लाउड एनवायरनमेंट पे अपलोड हो जाएगा, और आपका सेम डिज़ाइन लेके एक स्ट्रक्चरल इंजीनियर उसका स्ट्रक्चरल मॉडल बनाएगा, और वो स्ट्रक्चरल मॉडल को आर्किटेक्चरल मॉडल के ऊपर ओवरलैप करेगा। सिमिलरली ये दोनों मॉडल को लेके थर्ड पर्सन, जो कि आपका मैकेनिकल इंजीनियर होता है, वो आपका डक्टिंग वर्क, इलेक्ट्रिकल वर्क, प्लम्बिंग वर्क, हर चीज़ डिज़ाइन करेगा एंड उसको अगेन ओवरलैप करेगा। सो इससे फ़ायदा क्या होता है? सो फ़ायदा ये होता है कि आपको कंस्ट्रक्शन साइट पे जाके कुछ सरप्राइजेज नहीं मिलते। आपके मैकेनिकल इंजीनियर को पता है कि ये बीम ऐसे गई है तो ये बीम यही होगी, एंड उसके हिसाब से वो डक्टिंग वर्क डिज़ाइन करेगा। एंड मोस्टली आज के टाइम पे क्या होता है, मेरे साथ भी जब मैं काम कर रहा था इन इंडिया, सो काफ़ी बार ऐसा होता था कि लाइक वी यूज़ टू डिज़ाइन दिस डक्टिंग वर्क, एंड ये डक्टिंग वर्क कभी जाके बीम को हिट हो रहा है, कभी कॉलम से हिट हो रहा है। सो इस चीज़ को ऑल्टर करने के लिए हम लोगों को एक्स्ट्रा पैसे फर्स्ट ऑफ ऑल एंड टाइम, ये दोनों ही वेस्ट करने होते हैं। बट इन बिम व्हाट हैपेंस इज यू विल ऑलरेडी नो, तुम्हें पहले से ही पता होगा कि यहाँ पे बीम आने वाली है, तो आपको एक इंटरसेक्शन क्रिएट करना पड़ेगा यहाँ पे एक बेंडिंग जॉइंट आपको डालना पड़ेगा, या फिर आपका जो प्लम्बिंग लेआउट है, सिमिलर थिंग्स में आप काफ़ी सारे ऑल्टरेशंस पहले ही कर लेते हो, पहले से ही आपका डिज़ाइन फुल प्रूफ हो जाता है। प्लस बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग या फिर बिम के जो मॉडल्स होते हैं, तो उसके सारे चीज़ों में डेटा अटैच्ड होता है। जैसे कि एक वॉल है, तो उसमें थिकनेस, वेट, हाइट, ये सब तो बेसिक्स है, ये अटैच होता ही है, बट उसके साथ साथ इसके अंदर ये भी अटैच होता है कि क्या क्या लेयर्स है उस वॉल के अंदर, उसका थर्मल रेजिस्टेंस क्या है, उसका यू वैल्यू क्या है, उसका आर वैल्यू क्या है, उसमें उसका असेंबलीज कैसे होगा, ये सारी चीज़ें अटैच हो सकती है एक बिम मॉडल में। और इसी पे आते हैं, हमारा सेकेंड पॉइंट आता है, जो कि है लेवल ऑफ डेवलपमेंट्स।
सो बिम में एक टर्म आएगा आपको, अब जब भी बिम स्टार्ट करेंगे सीखना तो एक टर्म आएगा जो कि लेवल ऑफ डेवलपमेंट्स है, जिसको LOD लेवल्स बोलते हैं। ये 100 to 400 and 500 तक जाता है। तो इसका मतलब ये है कि अगर एक LOD 100 का मॉडल है, सो बेसिकली आपका एक बेसिक स्केचअप मॉडल हो गया, वो कॉन्सेप्चुअल मॉडल होता है। 200 विथ सम डिटेल्स, आपके डोर्स, विंडोज, हाइट, सीलिंग्स, हर चीज़ आ जाएगी उसके अंदर। 250, 300 पे जब जाएंगे तो आपके वॉल असेंबलीज आ जाएंगे, आपका वॉल टाइप आ जाएगा, आपका फ्लोर टाइप आ जाएगा, फिक्स्चर्स आ जाएंगे, एंड देन सम मैकेनिकल एंड स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टीज आ जाएगी। एंड अब जैसे जैसे ऊपर जाएंगे आपके साथ और डेटा अटैच होते जाएगा। जैसे कि आप एक LOD 400 या 450 का जब मॉडल बनाते हैं तो वो एक प्री फैब्रिकेटेड कंस्ट्रक्शन के लिए एप्ट होता है, इतना डिटेल्स होते हैं उसके अंदर। इनफैक्ट आपके साथ आपका जो वॉल असेंबली है उसके अंदर आप प्राइस भी अटैच कर सकते हैं। तो हर चीज़ जब पहले से ही अटैच हो जाती है तो एट द एंड ऑफ द प्रोसेस आपको बस एक क्लिक करना होता है और आपके पास सारे स्केड्यूल्स रेडी हो जाते हैं। सो दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन BIM एनवायरमेंट। और अब आगे जाते हैं, इसके अंदर सॉफ्टवेयर कौन कौन से यूज़ होते हैं। तो फर्स्ट सॉफ्टवेयर है आपका Revit या फिर ArchiCAD। इट्स नॉट ओनली Revit, मोस्ट ऑफ द यूरोपियन कंट्रीज यूज़ ArchiCAD, US, Canada, India इज़ यूजिंग Revit। Autodesk सॉफ्टवेयर काफ़ी मोनोपोली चलती है यहाँ पे। नेक्स्ट सॉफ्टवेयर इज़ Navisworks, और ये सॉफ्टवेयर में आप बेसिकली क्लैश डिटेक्शन रन कर सकते हैं। आप उसके अंदर सारे जब मॉडल अटैच होंगे एक साथ तो आपको पता चलेगा कि कहाँ पे क्लैशेज हो रहे हैं। आपको वो सॉफ्टवेयर पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ बता देगा कि भाई आपका ये लाइटिंग फिक्स्चर बीम के बीच में से जा रहा है, आपका ये डक्ट ये बीम के थ्रू जा रहा है, या फिर आपका जो फ्लोर है वो किसी फर्नीचर के साथ क्लैश हो रहा है। ये सारी चीज़ें आपको Navisworks में क्लियर हो जाती है। आगे जाने के बाद अपने पास आता है, थोड़ा रेंडरिंग सॉफ्टवेयर्स आ जाते हैं, जैसे Enscape, Twinmotion, Lumion, ये सारे भी पार्ट है ऑफ BIM इंटरफेस। फिर उसके बाद आता है आपका प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, जैसे माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट्स आ गया। ये सॉफ्टवेयर में आप बेसिकली स्केड्यूलिंग कर सकते हैं आपका प्रोसेस कैसे कैसे होगा, जैसे कि आपका फाउंडेशन वर्क चलेगा अराउंड 45 डेज तक, आपका फिर एक स्लैब लाइक पर फ्लोर स्लैब्स कंस्ट्रक्शन होंगे अराउंड, हर एक स्लैब के लिए 30 डेज आप पकड़ के चलो। तो इस हिसाब से आप हर चीज़ को एक साथ एक सिमिलर एनवायरनमेंट में इंटीग्रेट कर सकते हैं। सो ये होता है BIM। मैं आप लोगों को बहुत ज़्यादा पकाना नहीं चाहता, बट दिस इज़ वॉट इज़ BIM। BIM इज़ नॉट अ सिंगल सॉफ्टवेयर, इट इज़ अ एनवायरनमेंट ऑफ डिफरेंट सॉफ्टवेयर इन विच यू कैन डू मल्टीपल थिंग्स। अब आते हैं भाई पॉइंट पे कि कौन कौन सी कंपनीज हायर कर रही है। सो फर्स्ट कंपनी है Edifys। ये एक पर्सनल फ्रेंड ने रिकमेंड की थी, क्योंकि वो पहले स्टार्ट किया था BIM में वर्क करना एंड उसको थोड़ी नॉलेज थी इसके बारे में, सो उसने ये कंपनी ज्वाइन की थी। इट इज़ अ मुंबई बेस्ड कंपनी एंड नेक्स्ट कंपनी इज सिलिकॉन वैली, एंड ये एक्चुअली कंप्यूटिंग कंपनी है बट इन लोगों ने अपना एक और ब्रांच ओपन किया है, सो यू कैन गो अहेड एंड चेक दैट आउट। नेक्स्ट कंपनी है रूबीकॉन ग्रुप और मार्स ग्रुप, ये दोनों ही कंपनीज कंस्ट्रक्शन कंपनी है। ये दोनों कंपनी BIM इंजीनियर्स एंड BIM कोऑर्डिनेटर्स को हायर कर रहे हैं। नेक्स्ट इज़ पिनाकल इन्फोटेक लिमिटेड, ये भी अब कंस्ट्रक्शन और BIM इंटरफेस के ऊपर काम कर रहे हैं और दे आर हायरिंग पीपल। एंड अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं जो कि है सैलरी। सो बहुत सारे लोगों ने वीडियोस बनाए हैं ऑन YouTube अबाउट सैलरीज, कि आपको सैलरी मिलेगी 1 लाख और 2 लाख ऐसे सब। सो गाइज दैट्स नॉट ट्रू। यहाँ पे मैं लोगों को जानता हूँ जो लोगों ने 1-2 साल का एक्सपीरियंस है इन BIM इंडस्ट्री एंड दे आर स्टिल गेटिंग 80,000 or 60,000 विच इज़ स्टिल गुड कम्पेयर टू आर्किटेक्चर मेन स्ट्रीम आर्किटेक्चर डिज़ाइनर जॉब्स। बट 1 लाख की जो आपकी एक्सपेक्टेशंस है वो मत रखो। आपके पास अगर एक्सपीरियंस नहीं है तो यू कैन एक्सपेक्ट एनी वेयर फ्रॉम 40,000, 50,000, 60,000 के आसपास में आपकी सैलरी होगी। सो दैट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट कि मुझे लोगों को ये बताना था कि भाई इतना हाई एक्सपेक्टेशंस मत रखो लोगों के। जो रैंडम लोग वीडियोस बना रहे हैं अबाउट दिस थिंग, जिन्होंने कभी BIM इंडस्ट्री में काम नहीं किया है, वो दे आर मेकिंग ऑल दिस थिंग्स अ बिग फस अबाउट दिस। सो इट्स नॉट लाइक दैट।
सो आप लोग ये चीज़ ध्यान में रखो। एंड गाइज, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो, गो हैड हिट अ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। बहुत सारे लोग आज भी मतलब रिपीटेटिवली मेरे वीडियोस देख रहे हैं आप लोग, बट आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे। सो गाइज, द थिंग इज़ लाइक आई एम टेकिंग दिस टाइम आउट, आई एम डूइंग ऑल दिस रिसर्च जस्ट फॉर ऑल ऑफ यू। आप लोगों के लिए ही कर रहा हूँ ये सब। लोग पैसे ले रहे हैं इस चीज़ के लिए, बट आई एम डूइंग इट फॉर फ्री एंड ऑल आई नीड इज़ योर सपोर्ट। आप लोग अगर सपोर्ट करोगे, मैं इसी तरीके से इनफैक्ट आई कैन इन्वाइट प्रोफेशनल्स टू दिस चैनल एंड उनके साथ वीडियोज़ बना सकता हूँ। So go ahead, hit a like and subscribe to my channel, guys. Take care of yourself and see you soon. Bye-bye.